सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वॉचिंग स्टडी विद अभिषेक। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की एमआर के लिए, जो आप लोग सिलेबस के लिए बोल रहे थे वीडियो बनाने के लिए, और उसके बाद कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करेंगे, और थोड़ा सा हम जो प्रीवियस ईयर का जो जो मॉडल सेट है, प्रीवियस ईयर नहीं बोलूँगा मैं उसको, मॉडल सेट बोलूँगा, उसको भी थोड़ा देखेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एमआर में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है सिलेबस की पीडीएफ, जिसमें कि आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि 10th लेवल की जॉब है, और उसके लिए आपको जो भी मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो भी मैथमेटिक्स होती है, साइंस होती है, और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आता है, इन सब चीज़ों को मिलाकर इसमें एग्ज़ाम लिया जाता है। सबसे पहले अगर मैं बता दूँ, अगर बात करूँ कि एग्ज़ाम होता है आपका 50 मार्क्स का, ठीक है, और आपका टाइम होता है 30 मिनट्स का। ठीक है, ये अभी इस बार ऑनलाइन है, तो इसमें भी 30 मिनट का टाइम मिलेगा, 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और एक चीज़ मेन है इसमें कि आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी है बात को। अब चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपको मिलेगा, मतलब कि सेक्शन ए में आपको साइंस एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और सेक्शन बी में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिलते हैं। तो फर्स्ट टाइम है, तो वो कुछ चीज़ें आपको अब पता चलेंगी आगे जाने के बाद, लेकिन अभी मैं बताता हूँ। तो साइंस एंड मैथमेटिक्स में कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसे कि नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, अर्थ, सैटेलाइट, सन, और इन सब चीज़ों के बारे में, उसके बाद फोर्स एंड ग्रेविटेशन के बारे में, न्यूटन्स लॉ और मोशन, वर्क एनर्जी और पावर से क्वेश्चन आएगा आपको, और हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन सब चीज़ों से, कार्बन, और इन ये सब तो मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कार्बन एंड इट्स कंपाउंडेंट्स, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन, ये मैथ से क्वेश्चन हो गया, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स, सिमुलटेनियस इक्वेशन, बेसिक ट्रिगोनमेट्री, ट्रिगो से भी क्वेश्चन आपको होंगे, सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मीडियन एंड मोड, जो आपका होता है माध्य, माध्यक, बहुलक, इन सब चीज़ों को, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस्ट एंड परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड, इन सब चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन होता है। मीन्स कि आपका जो आप जैसे कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो समझ गए। उसके बाद अब मैं बता दूं, अगर जनरल अवेयरनेस की बात करूं, तो इसमें ज्योग्राफी, सॉयल, रिवर, माउंटेन, जो भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, ठीक है, वो सब, उसके बाद कल्चर एंड रिलीजन, फ्रीडम, मूवमेंट, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस, इन सब चीज़ों से, मीन्स कि आपका ये सब आएगा, करंट अफेयर्स आपका होगा, और कैपिटल से भी, कैपिटल और करेंसीज से, कॉमन नेम से, फुल फॉर्म, एब्रिविएशन, इमिनेंट पर्सनैलिटीज, नेशनल बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट्स, फ्लावर, इन सब चीज़ों को भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है, स्पोर्ट्स, चैंपियनशिप, विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, इन सब चीज़ों को भी, और बाकी आपका हिस्ट्री, डिफेंस वार्स एंड नेवर्स, अवार्ड एंड ऑदर्स, जो कि आपका होता है कि किताब के लेखक और इन सब चीज़ों के, उसके बाद बाकी आपका डिजीज एंड न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों का सब कुछ होगा इसमें। मतलब कि जो भी 10th में आप लोग पढ़े हैं, उसका अभी समय आ गया है, सही समय कि अब आपको उन सब चीज़ों को, जिसका भी बेस मजबूत होगा वो इस एग्ज़ाम को निकाल ले जाएगा, और नहीं भी है तो हम लोग हैं ना, आपको बिल्कुल सही से आपको किया जाएगा, और हेल्प करूँगा जो भी हो सकेगा मैं आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ आगे। अब ये तो मैंने सिलेबस बता दिया आप लोगों को, अब आगे बात है कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, तो उसके लिए भी जो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसको कि आप भी देख सकते हैं इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट से, और उसकी जो पीडीएफ है मॉडल सेट का, उसको मैं दिखाता हूं आप लोगों को, तो चलिए उसको भी दिखा देते हैं। तो ये सब तो आपका इंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे देखिए, जब ऑफलाइन पेपर होता था तो 45 मिनट्स में आपको 50 मार्क्स करने होते, 50 क्वेश्चन करने होते हैं, होते थे, लेकिन अभी आपका टाइम कम हो गया है ऑनलाइन होने पे, 30 मिनट्स में आपको मिलने वाला है। आगे अब देखिए, हाँ यहाँ से क्वेश्चन देखिए आप, तो ये देखिए सेक्शन ये है, ए है इसमें साइंस एंड अर्थमेटिक, मतलब आप अर्थमेटिक से क्वेश्चन और साइंस से। तो यहाँ पे देखिए, 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं, उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो इन सब के क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ भी, यहाँ पे छूट वाले परसेंटेज के टाइप के क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद देखिए,
ये माध्य का क्वेश्चन जो उन्होंने वहाँ पे हमने सिलेबस में देखा था, उसके बाद समीकरण भी यहाँ पे आपको मिल सकता है, मे बी आपको करना पड़े, जो कि सिंपल समीकरण जो जिसका कि मूल आपको निकालना होता है, इन सब टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, शांतनु की टोपी 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, देख रहे हैं आप लोग, मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्रिगो का भी क्वेश्चन एक है, ट्रिगोनमेट्री, ट्रिगो मीन्स ट्रिगोनमेट्री, और बाकी यहाँ पे देखिए यहाँ पे मतलब कि मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, और जीके और जीएस के भी क्वेश्चन काफ़ी होंगे इसमें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थर्मस बोतल, जिसमें काफ़ी यहाँ पे देखिए बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है। और साइंस और चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको, पिंड का भार, उसके बाद एक क्वासार है, ये सब हम सब जो चूँकि ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो सब कुछ मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा आप लोगों को, सब कुछ बताऊँगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में आपका आ गया, मैं सेक्शन बी में, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी, एलोरा का महानतम ऐतिहासिक स्थल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कौन से वर्ष में हुआ, यहाँ पे मतलब सब कुछ है, देखिए 7 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया अभी, हाँ मतलब कि आपको पूरी तरह से, जैसे कि सेक्शन ए में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्लियर बता देता हूँ आपको, 25 क्वेश्चन सेक्शन ए में मिलेंगे आपको, और 25 क्वेश्चन जो कि जनरल अवेयरनेस के होंगे वो होंगे आपके सेक्शन बी में, यही होगी, ऐसे ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जैसा एग्ज़ाम में मिलेगा, और भी अच्छी तरह से ने भी अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करे कुछ दिनों के बाद कुछ चीज़ें, जैसा कि एयरफोर्स ने किया था, वहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन जैसे कि एग्ज़ाम में होता है पूरी तरह से वहाँ पर अपलोडेड है उनकी वेबसाइट पर, तो हो सकता है ने भी उस तरीके से करें, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी ये बताने का मुझे मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को पूरी तरह से अवगत करा दूँ। अब रही बात, चलिए अब बात करते हैं, मेन जो बात है वो है बुक्स के बारे में, कि बुक्स कैसी फॉलो करनी है, ठीक है। ये 10th लेवल का है, 10th की भी बुक्स देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, वो तो अलग बात है, लेकिन बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, तो इसके लिए अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो अच्छी तरह से जो भी बुक्स होंगी उसको दिखा करके और तब आपके लिए बना दूंगा। अभी तो मैंने इसमें सिलेबस बताया, सिलेबस के लिए आप लोग समझ गए कि सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में आपका साइंस और अर्थमेटिक होगा, सेक्शन ए में आपका साइंस और अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सेक्शन बी की बात करें हम लोग, तो सेक्शन बी में आपका जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है, और 25 क्वेश्चन सेक्शन ए से लिए जाएंगे आपके, और सेक्शन बी से 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन होगा, और आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स में आपको करने होंगे, ऑनलाइन एग्जाम है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और एडमिट कार्ड एक बार और दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप सभी का आएगा, तो तैयारी जम के करो, जो भी तैयारी अच्छे से करेगा वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा और आगे चला जाएगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन में थोड़ा सा भी गड़बड़ मत करना, क्योंकि एडमिट कार्ड आने वाला है, अगर आप क्रिटेरिया को फॉलो कर रहे हो तो, पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग पहले भी देख सकते हो उसको, ठीक है। तो बस यही सब आपको बताना था, आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको बुक्स के लिए वीडियो चाहिए तो वो भी आप बताना, मैं ज़रूर बना दूंगा, एक वीडियो आप लोगों के ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे कि आप लोगों की मदद हो सके, ठीक है। और बाकी क्लासेज भी स्टार्ट होने वाली है, तो उसका भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आप लोगों को दिया जाएगा, जैसा भी होगा, ठीक है। और आप लोग भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी से चाहिए और किस किस चीज़ की क्लास आप लोग चाहते हैं, तो उस तरीके से मैं सब कुछ सारी चीज़ें करूँगा, और आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, और बस आपको मेहनत करना है अपने तरफ से, हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो बस मोटिवेटेड रखिए, अपने आप को खुश रखिए, और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए, एडमिट कार्ड सबका आने वाला है, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, बाकी आप लोग सब कुछ समझ गए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को क्लिक करो, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, और मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक पेज का और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।